इस नवरात्रि अगर आए आपके घर मेहमान, पोटैटो पॉप्स खिलाकर बढ़ाएं उनकी शान। जय माता दी फ्रेंड्स, मैं पीहू, मेरे यूट्यूब चैनल पीहू द ढाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि का सीजन शुरू हो गया है, तो इसीलिए मैं आज आपके साथ एक नवरात्रि स्पेशल डिश शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं टेंगी फ्लेवर वाले फलाहारी पोटैटो पॉप्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधा किलो बेबी पोटैटोस लिए हैं और अब इसे अच्छे से मैं धो लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैंने उन आलू को अच्छे से धोकर उबाल लिया है। अब हम आलू लेंगे और उसे प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, और ये देखिए उसे फ्लैट कर देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया कढ़ाई, अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच देसी घी। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और जब तक ये क्रैकल नहीं हो जाता तब तक इसे हिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ हमारे जीरा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, अच्छे से क्रैकल हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी में 4 चम्मच गुड़ और इमली वाली चटनी ली है और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके उसे पतला कर लिया है। अब मैं इसमें ये ऐड करूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि में हल्दी यूज नहीं करते हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/2 टीस्पून और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारे मसाले पे अच्छे से बबल्स आने लग गए हैं, इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पोटैटो ऐड करूंगी जो मैंने बिल्कुल फ्लैट कर लिए है। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जब आप अपने मेहमानों के आगे ये सर्व करेंगे तो वो चटकारे ले लेकर इस पोटैटो पॉप्स को खाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे पोटैटो का कलर चेंज होता जा रहा है, इसे अच्छे से अलटना पलटना है और इन पे मसाला अच्छे से जब तक कोट नहीं हो जाता तब तक इसे अलटना पलटना है, और जब इस पे अच्छे से मसाला कोट हो जाएगा इसका मतलब हमारे पोटैटो पॉप्स बनकर रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका कलर कितना ब्यूटीफुल हो चुका है और मसाला अच्छी तरह इस पर लिपट चुका है, इसका मतलब ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, रफली चॉप किया हुआ मैंने हरा धनिया डाला है इस पे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे पोटैटो पॉप्स बनकर एकदम रेडी हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, खट्टे मीठे तीखे टेंगी फ्लेवर वाले फलाहारी पोटैटो पॉप्स बनकर एकदम रेडी हैं। और फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको पता है क्या है? ये बिना छीले बनाए गए हैं।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय माता दी फ्रेंड्स।